नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे आपके जमीन के बारे में। इस जमीन का मालिक कौन है, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी कैसे होगी, इसके बारे में हम जानेंगे आगे विस्तार से। बिहार देश का पहला राज्य है जहां सरकारी डॉक्यूमेंट सबसे पहले इंटरनेट पर अपलोड किया गया, यानी कि ई गवर्नेंस लाने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। अब एक बार फिर से बिहार सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए चकबंदी निदेशालय की अपनी वेबसाइट बनाने की बात कही है, जिस पर बिहार के हर एक गांव के जमीन के मालिकों का नाम और उसके द्वारा धारित जमीन की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। कहा जा रहा है कि एक क्लिक से कोई भी व्यक्ति अपने गांव की जमीन की जानकारी प्राप्त कर सकता है। उस जमीन का मालिक कौन है, इसके बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त हो सकती है। चकबंदी पूरे होने के बाद म्यूटेशन सहित राजस्व के सारे काम इसी के जरिए संपादित होंगे और भू अर्जन से भी आंकड़े जुटाने में सरकार को सहूलियत होगी। आपको बता दें कि प्रदेश में भूमि सर्वेक्षण का काम तेजी से जारी है। इस कार्य के तत्काल बाद चकबंदी शुरू हो जाएगी। भूमि सर्वेक्षण का आउटपुट ही चकबंदी का इनपुट होगा। भूमि सर्वेक्षण के बाद उपलब्ध कराए गए मानचित्र एवं खतिहान के आधार पर ही चक काटने का काम होगा। इस प्रकार चकबंदी के बाद संबंधित मौजों में प्लॉटों की संख्या काफी कम हो जाएगी। इसके बाद से खतिहान भी नया बन जाएगा। अब जान लेते हैं कैसे होता है चकबंदी। चकबंदी का यह काम एक गांव में कई सेक्टरों में बांट कर किया जाता है। सेक्टर का निर्माण जमीन की कीमत एवं उसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर तय किया जाता है। अब तक अमीन द्वारा जमीन का मूल्यांकन कर चक काटने का काम किया जाता था। यह मूल्यांकन फसल के उत्पादन एवं उसकी कीमत के आधार पर तय की जाती थी, लेकिन इसमें बहुत तरह की गड़बड़ियों और शिकायतें आती थी। इसके बाद से चकबंदी में संशोधन की बात कही गई थी। इसके तहत कई संशोधन किए गए हैं। चकबंदी अधिनियम की धारा 15 में संशोधन किया गया है। यह संशोधन प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा गया है। इसके लागू होने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार अपसमाहर्ता को चकबंदी के पश्चात नए बने चकों पर दखल और कब्जा दिलाने का काम शामिल किया जाएगा। एक और प्रस्ताव में संशोधन की बात कही गई है। धारा 7 में संशोधन की बात कही गई है। इसमें कहा गया कि गांव में एडवाइजरी कमेटी गठित करता है। आने वाले समय में प्रस्तावित संशोधन के बाद पंचायतों के चुने गए प्रतिनिधि यानी कि मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्य ही इस गांव में चकबंदी के एडवाइजरी कमेटी के पदेन सदस्य होंगे। एडवाइजरी कमेटी चकबंदी में सरकार को जरूरी सलाह देने का काम करती है। पटना शास्त्री नगर स्थित बिहार सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में बिहार के सभी 5 जिलों में काम कर रहे चकबंदी पदाधिकारियों जुटे थे। इस दौरान चकबंदी में आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में पारदर्शिता, एकरूपता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने पर विचार किया गया। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव सह निदेशक चकबंदी ने कहा कि इसका उद्देश्य जमीन का बेहतर प्रबंधन, भूमि विवादों को कम से कम करना और सरकारी जमीन की सुरक्षित सुनिश्चित करना है। यह सारा काम न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के जरिए किया जाएगा। सरकार को यह लगता है कि चकबंदी पूरा होने के बाद से उद्योग को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अब आइए एक नज़र डालते हैं चकबंदी के इतिहास पर। चकबंदी का कार्य सर्वप्रथम प्रायोगिक रूप से यानी कि एक्सपेरिमेंट के रूप में सन 1920 में पंजाब में शुरू किया गया था। सरकारी संरक्षण में सहकारी समितियों का निर्माण हुआ ताकि चकबंदी का कार्य ऐच्छिक आधार पर किया जा सके। प्रयोग सामान्यतः सफल रहा था, किंतु यह आवश्यक समझा गया कि पंजाब चकबंदी कानून 1936 को पास किया जाए, जिसके द्वारा अधिकारियों को योजना तथा काश्तकारों के मतभेदों का निर्णय करने का अधिकार प्राप्त हो जाए। 1928 में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया ने, जिसे इसका अधिकार नहीं था कि वह जमीन की मलकियत में कोई परिवर्तन करे, यह घोषणा की कि अन्य प्रांतों में भी चकबंदी ग्रहण की जाए, किंतु केंद्रीय प्रांतों और पंजाब के अतिरिक्त जहाँ कुछ सीमित सफलता के बाद चकबंदी कार्य हुआ, अन्य प्रांतों में बहुत कम सफलता प्राप्त हुई। थोड़े से ही ऐसे खंड थे जहां पंजाब की भूमि की अदला बदली या चकबंदी द्वारा होने वाली क्षति को जोखिम उठाने को अनिच्छुक थे। वर्तमान में बिहार सरकार जमीन की चकबंदी को लेकर एक्टिव दिख रही है। इसके साथ ही बिहार सरकार सरकारी जमीन की भी पड़ताल कर रही है। बिहार और जमीन से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।